हाय एवरीवन, आई एम दारा, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम DIYs बनाने वाले हैं। मतलब मैं कुछ नई बात नहीं कर रही हूँ, हम मोस्टली DIYs ही बना रहे हैं, लेकिन हम कुछ पुरानी चीज़ों में से मेकओवर करेंगे। आपको तो पता होगा मैं 6 मंथ तक मेरे पेरेंट्स के घर थी, मैं कुछ दिन मेरे पेरेंट्स इन लोग के घर पर भी गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ पुरानी चीज़ें लाई हूँ जो ऑलमोस्ट मेरी दोनों मम्मियाँ फेंकने वाली थी। आई नो आप सबके घर में ऐसी चीज़ें पड़ी होगी जो आप मेकओवर करके रीयूज कर सकते हो, तो आज हम उसी चीज़ों का DIY करके मेकओवर करेंगे। मतलब सभी चीज़ों का मेकओवर हम एक वीडियो में नहीं करेंगे, आज हम दो ही DIY करने वाले हैं और बाकी सब हम आने वाले वीडियोज में DIY करेंगे। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY में हम ओल्ड क्लॉक का मेकओवर करेंगे। तो सबसे पहले सभी स्क्रू निकाल के ग्लास और हैंड्स निकालने हैं। अब आपके चॉइस का कोई भी कलर करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। अगर आप पहले जैसो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैं यहाँ पे वाइट चॉक पेंट लगा रही हूँ, मुझे वाइट कलर ही चाहिए। अब जो अंदर का पार्ट है उसमें मैं रैंडम डिज़ाइन करूँगी डिफरेंट चॉक पेंट से। आप एक्रेलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। अब जो बाहर का राउंड है उसमें मैं पीच चॉक पेंट स्पंज से लगा रही हूँ। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो ग्लास है उसकी अंदर की ये जो ब्लैक लाइंस है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक वेट क्लॉथ से निकाल रही हूँ। तो लास्ट में आपको हैंड्स और ग्लास लगा देने हैं और आपकी नई क्लॉक रेडी है। उसके जो साइड में जो ग्लास को होल्ड करने के लिए दिए हैं वाइट कलर के, उसको मैंने बाद में कॉपर वैक्स लगा दिया था। सेकेंड DIY में हम विंटेज स्टोरेज बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास ये पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था, आई थिंक वॉच का ही बॉक्स है, तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे इसमें ऊपर की साइड डिजाइन चाहिए थोड़े से टेक्सचर के साथ, तो मैं ये स्टेंसिल और टेक्सचर पेस्ट यूज कर रही हूँ। स्टेंसिल में जो बीच वाला हिस्सा है वही मैं यूज करूंगी, आपको जो भी स्टेंसिल यूज करनी है वो यूज कर सकते हो। धीरे से स्टेंसिल मूव ना हो ऐसे पैलेट नाइफ से टेक्सचर पेस्ट लगाना है। अब स्टेंसिल हटानी है, अगर डिज़ाइन के अलावा कहीं पे टेक्सचर पेस्ट लग जाता है तो वो हटा दीजिए, कोई बात नहीं अगर वाइट कलर रह जाता है, वैसे भी हम उसके ऊपर कलर करने वाले हैं, बस डिज़ाइन के अलावा कहीं पे टेक्सचर नहीं रहना चाहिए। नाउ आई वॉन्ट लाइनिंग हियर, सो मैं ये कॉटन रोप का यूज़ करूँगी, उसको मैं इस एडहेसिव से लगाऊंगी। आप ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हो या फेविकॉल, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हम पेंट करेंगे, तो बॉक्स के नीचे का जो हिस्सा है उसमें मैं ग्रीन चॉक पेंट थोड़ा सा वाइट ऐड करके यूज़ करूँगी। अंदर की साइड पहले मैंने वाइट पेंट किया था, लेकिन बाद में मैंने सेम ग्रीन कलर कर दिया था। ऊपर का जो ढक्कन है उसमें मैं लैवेंडर चॉक पेंट यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी अच्छा दिखने लग रहा है। अब जो नीचे का ग्रीन बॉक्स है उसमें मैं स्क्रिप्ट वाली स्टेंसिल यूज करूंगी, ताकि ऐसा लगे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसके लिए वाइट और ग्रीन कलर जो हमने यूज किया था वो मिक्स करके लगा रही हूँ। हम
विंटेज बॉक्स बना रहे हैं तो उसे थोड़ा सा पुराना दिखाना है, जैसे बाबा आदम के ज़माने का हो, तो इसमें हम ब्लैक कलर के स्ट्रोक करेंगे जिससे ये थोड़ा सा पुराना दिखे। अब हमें इस दोनों में सीलर लगाना है। मेरे पास सीलर नहीं अवेलेबल था तो मैंने डिकोपज ग्लू लगाया है। अगर आपके पास सीलर है तो सीलर ही लगाइए। नेक्स्ट स्टेप में लेना है ब्लैक कलर और पानी लेना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए और उसे लीड पर ब्रश से जल्दी जल्दी से सूख ना जाए ऐसे लगाना है, और तुरंत ही एक क्लोथ लेकर ऐसे धीरे से कलर उठा लेना है। इससे क्या होगा कि जो रोप है और डिज़ाइन है उसमें कोनों में ब्लैक कलर रह जाएगा और बाकी जगह से क्लोथ में आ जाएगा, एक शेडो जैसा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने डिकोपज ग्लू अच्छे से सूखने नहीं दिया था, तो ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा चिपक गया था। तो जहाँ पे मुझे लाइट कलर चाहिए वहाँ पे मैं फिर से लैवेंडर कलर कर रही हूँ। ओके, तो मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब हम यूज़ करेंगे माय फेवरेट गोल्ड मेटालिक वैक्स। उसे ऐसे उंगली पर लेके जो डिज़ाइन है उसे अप्लाई करना है। डोंट वरी, अगर आपके पास गोल्ड मेटालिक वैक्स नहीं है तो आप कोई भी मेटालिक कलर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रोप पे और लीड के साइड पे भी लगाएंगे। आप देख सकते हो धीरे धीरे अच्छा सा लुक आ रहा है। नाउ लास्ट टाइम सीलर लगाना है पूरे बॉक्स में। ऑब्वियसली मैं डिकोपज ग्लू लगा रही हूँ, मेरे पास नहीं था तो। और लास्ट में गोल्डन बीट्स यूज कर रही हूँ एज अ नॉब्स। दो बीट्स को स्टिक करके लीड पे लगाऊंगी ताकि ये नॉब जैसा लगे। तो रेडी है हमारा विंटेज स्टोरेज बॉक्स, मतलब लग रहा है ना जैसे बाबा आदम के ज़माने का हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे ओपन करूंगी और उसमें से एक सीक्रेट खजाने का मैप मिलेगा। कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा DIY पसंद आया और आप कौन सा ट्राई करने वाले हो। अगर ट्राई करते हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में टैग कीजिए, मुझे आपके रिक्रिएशन देख के बहुत ही मजा आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।